शहर के श्रीराम धर्मशाला के समीप स्थित कॉम्प्लेक्स के सामने मुख्य मार्ग पर किए जा रहे सेप्टिक टैंक निर्माण को मंगलवार नगरपालिका अमले ने रुकवाते हुए निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली है। नगरपालिका इंजीनियर संजय भालेकर ने बताया कि दामोदर कृष्णलाल महाजन को नोटिस जारी कर अपने कॉम्प्लेक्स के सामने किए जा रहे सेफ्टी टैंक निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए थे। यहां गड्ढा खोदा गया था, इस निर्माण कार्य से आवागमन बाधित हो रहा था। इस मामले में शिकायत मिलने पर यह कृत्य नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की है। 1 फरवरी को नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिस पर मंगलवार को अमले ने निर्माण सामग्री जब्त की है और निर्माणकर्ता को उक्त गड्ढे को वापस भरने के निर्देश दिए हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। अरे सौ अस्सी का प्लांट मापोगे कि नहीं मापोगे? कहाँ तक है आपकी 180? कहाँ तक आ रही रोड पे? यहाँ तक छोड़ी मैंने जमीन, डिवाइडर तक है। लीज की जमीन का यहाँ गटर क्या हुआ है? यहाँ गटर बनी हुई है। ये लीज की जमीन थी दादू, नगर पालिका सभी पूरा लीज का है। ये लीज की जमीन मेरी क्या? सबकी लीज की यहाँ? नहीं, आपकी लीज की जमीन मेरी मेरी क्या? सबकी है। अच्छा, कितने साल के लिए ली थी आप? बयान बता ना, बता दे दादा। चलो लो बाइट ले लो, तंगिला अच्छे जाओ। यहाँ पे सामान की जब्त किया, क्या मामला है यहाँ पर? ये जो सेफ्टी टैंक बना हुआ है ये MOS की जगह पर बना है, ये नहीं बनना था। उनको दो बार हमने सूचना पत्र भी दिया, उसके बाद भी माने नहीं है। अभी इसके बाद अभी हमें जब्ती करने, सुबह मॉर्निंग में भी आए थे इसको बंद करने के लिए, लेकिन इन्होंने बंद नहीं करा। फिर काम इन्होंने चालू रखा, तो भी हम वरिष्ठ अधिकारी ने भी निर्देश दिए कि इनको भी सामान जब्त किए जाना है, तो हमने सामान जब्त की कार्रवाई की रही की जा रही। फिर जारी होता है कार्य तो फिर ये तो इसको पूरा सेफ्टी टैंक को पैक कर दिया जाएगा। जमीन मालिक तो कह रहे हैं कि मेरी आधी सड़क मेरी है। उसको यदि है तो कागज देख के जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। ये लीज की जमीन पर बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, इसको जो भी होगा देख लेंगे। क्या नाम लेते हैं? संजय भालेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।